বিজ্ঞানীসকলৰ ধৈৰ্যৰ একাগ্ৰতাক চেলুট দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণ কৰা ঠাইৰ নাম হ'ব শিৱশক্তি। আনহাতে চন্দ্ৰযান দুই অৱতৰণৰ অংশ তিৰংগা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। শিৱৰ নামত মানৱ কল্যাণৰ সংকল্প সমাহিত হৈ আছে। চন্দ্ৰমাত শিৱশক্তি পইণ্ট ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক দাৰ্শনিক চিন্তাৰ প্ৰতীক হৈ থাকিব। শিৱশক্তি পইণ্টে নতুন প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা দিব বুলি ভাষণত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुणवंती विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पम् अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। और फिर 30 अगस्तर दिन तो राष्ट्र महाकाश दिवस रूपे पालन घोषणा इसरो विज्ञानी सम्बोधि दिया भाषण मंत्य प्रधानमंत्री मोदी। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे
साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा।